आज मैं तुम लोगों को दिखाने वाले इंडियन बॉय टेंथ ग्रेड गेम कुछ माइनक्राफ्ट के मिस्ट्री बॉक्स और हम करने वाले हैं दो गोरिल्ला में फाइट और हम देखने वाले हैं अपने स्विमिंग पूल में एक सबमरीन। नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। हम जैसे देखने वाले हैं कुछ नए अपडेट के मिथ जो तुम लोगों ने मुझे कमेंट में दिए थे। और मैं इतना फंबल क्यों करता हूं यार इंट्रो रिकॉर्ड करने में, शर्मा जाता हूं मैं। फर्स्ट मिनट, अगर आप नाइट मोड में लगा के स्प्लेंडर को स्पॉन करोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, पर अगर आप दिन के वक्त उसे स्पॉन करोगे तो उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। प्लीज टेक माय मैथ। ठीक है सर, तो सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा नाइट वाला चीट कोड। नाइट का चीट कोड क्या था यार? शायद नाइन था। रुको मैं पहले डाल के देखता हूँ नाइट होता भी है कि नहीं। ये डाला मैंने ना, ओके हाँ यही वाला चीट कोड है, मेरे को याद था। तो मैंने मंगा ली है स्प्लेंडर और ये तो ब्लू दिख रही है ना, रेड ना ब्लैक कुछ दिख ही नहीं रहे भाई। तुम्हारा मिथ तो ऊपर से जा रहा है ये वाला। और मैं ये मॉर्निंग में भी मंगा रहा हूँ तो ये वही तो आ रही है ब्लू कलर का, लेकिन ये मेरे को स्प्लेंडर क्यों नहीं लग रही है? स्प्लेंडर नहीं लग रही ना। रुको मैं पहले प्ले स्टोर में जाके चीट कोड देख ले, तो पता नहीं मैं कोई और ही गाड़ी मंगा रहा हूँ। A few minutes later. अच्छा ये वाली गाड़ी की बात कर रहे थे, मैं ही चीट कोड गलत डाल के दूसरी गाड़ी मंगा रहा था, क्योंकि मैंने प्ले स्टोर पे लिखा था तो उस पे भी स्प्लेंडर लिखा था और ये वाला भी। तो मुझे चल मैंने मंगा लिया, ये वाला मॉर्निंग में रेड दिख रहा है और अब रात को देखते हैं कैसा दिखेगा। उसने बोला था ब्लैक दिखना चाहिए, तो ब्लैक आता है कि नहीं देखते हैं। रात को ब्लैक कलर की आ रही है, मतलब ये वाला मिथ कन्फर्म है। वैसे दोनों अच्छी ही लग रही है मेरे को। सेकंड में ट्रेन के साइड में थोड़ा सा आगे जाके ट्रैक विद ट्रोली स्पॉन करके पीछे जाते रहना एंड सी मैजिक। ओके सर, तो ये रहा हमारा ट्रैक विद ट्रोली, पर इसको चला रहे यार कितना मुश्किल है, मैं अभी मोड़ ही नहीं पा रहा इसको, तो धीमे इतना चल रहा है ये भाई। कितनी देर में मैं कम से कम यहाँ तक तो पहुंचा। अब मेरे को भाई ने क्या बोला था, ट्रक को दूर ले जाके फिर स्पीड में पीछे ले जाना है, पर ये हो ही नहीं पाएगा मेरे को। देखो ना ये पूरा ट्रक अनकंट्रोल्ड हो जाता है, मैं इधर से मुड़ता हूँ तो उधर हो जाता है। कोई ना, हम ट्राई तो कर सकते हैं। बल्कि अब मैं अभी, अरे यार थोड़ा सा टच हो गया फिर से मुड़ गया, मेरे को फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। होप सो अभी हो जाए, मैं कुछ भी बटन ही क्लिक नहीं करने वाला। अरे यार फिर से ये हो गया, ये ऊपर थोड़ा सा, मैं क्या बोलूं यार, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया इस चीज से। वो तुम लोग को वीडियो में इतना छोटा सा दिख रहा हो, मेरे को 9 मिनट हो गए ट्राई करते हुए, हो ही नहीं रहा ये ट्रैक। ऊपर हो ही जाता है अगल बगल में, और अभी मैं देखो दूसरे ट्रैक में यार, ये भी क्या वो वाले ट्रैक में खड़ा है और मेरा ट्रैक भी फंस गया पक्का, नहीं निकलने वाला इधर से। इसको ब्लास्ट कर दो और नया मंगाता हूं, ये ट्रक ही पन होती है। अरे यार ये नया मंगाया, ये भी कहां पे फंस गया, आसमान में उड़ रहा है, इसके जमीन में है ही नहीं। अभी इसको चला के देखूंगा, शायद ये भी ना चले। ये मेरे को लगता है मिथीपन होती है, मेरे को करना ही नहीं ट्राई, मैं बाहर भेजा वाला मैं। थर्ड मिथ, अगर तुम पुलिस स्टेशन के अंदर ट्राई जॉम्बी चीट कोड करते हो ना तो एक मैजिक दिखेगा। ठीक है सर, अब भी ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, जो कि हमारे घर के जस्ट बगल में ही है। यहाँ पे तो पुलिस भी लग रखी है। मैं क्या करना होता है यार, जॉम्बी चीट कोड ट्राई करना है, जॉम्बी चीट कोड तो पता ही नहीं, मुझे पहले प्ले स्टोर में देखना पड़ेगा। और एक तो मेरा गेम इतना लैग क्यों कर रहा है यार, मेरे को कितना अनोइंग सा लग रहा है। ये मेरा सस्ता फोन है ना, इसमें इसलिए, ये सस्ता फोन नहीं है, गेम ही लैगी है। तुम लोग के फोन में भी लैग करता है क्या, कमेंट में बताना। तो मैंने जॉम्बी का चीट कोड तो अप्लाई कर दिया है, तो अब ये जॉम्बी आएंगे किधर से, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। ओ आगे जॉम्बी, एक नहीं दो दो आ रहे हैं वो भी। भाई इसको कुछ ज्यादा ही जल्दी, पीछे वाला आराम से आ रहे हैं, कुछ दौड़ के आ रहे हैं, मुझे पहले पुलिस के अंदर जाता हूं। पुलिस वाले भैया बचा लेना मुझे प्लीज। अबे ये तो मेरे ही पीछे बस आ रहे हैं भाई, चार आदमी इधर पे भी बैठे, इन्हें भी मार दो भाई, जॉम्बी है तू मेरे बस पीछे क्यों आ रहा है? रुको यार मैं ये काउंटर में चढ़। अबे पुलिस वालों, तुम पे भरोसा करके मैंने जॉम्बी चीट कोड डाला था कि तुम लोग बचा लोगे, लेकिन नहीं, ये तो बैठे हुए हैं कुछ कर ही नहीं रहे, और ये जॉम्बी को भी अलग ही मेरे से ही वो दुश्मनी है, मेरे को ही मार रहा है। ये चार लड़के बैठे इधर पे, इन्हें नहीं मार रहा। अबे मैं इस जॉम्बी को गोली मारता हूँ, ये देखो पुलिस वाले के एक गोली लगी तो साले उठ के आ गए, अभी तक नहीं आ रहे थे, और ये भी मुझे ही मार रहे हैं भाई। जॉम्बी को मारो ना, देखो बाहर कितने सारे जॉम्बी हैं यार, और ये पुलिस वाले साले मुझे ही मारने में लगे। मार दो यार तुम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्या करूंगा मैं जी के। मिथ फोर, स्विमिंग पूल में बोट स्पॉन करो फिर देखो मैजिक। ठीक है भाई करता हूं मैं, कोई मैजिक वैजिक नहीं होता, पर मैं करूंगा ट्राई। ठीक है तो ये रहा हमारे घर पे स्विमिंग पूल, और मुझे इधर पे ही बोट स्पॉन करना है ना। बोट का चीट कोड क्या था, उसका भी चीट कोड नहीं पता, मुझे प्ले स्टोर पे जाकर देखना पड़ेगा पहले। 30001, अब आ जा। अबे यार ये कैसे साइड पूरा टेढ़ा आ गया, रुको पहले तो मुझे इसे ब्लास्ट करना पड़ेगा और फिर वापस से मंगाता हूं। टेढ़े वेढ़े करके थोड़ी ना काम चलेगा हमारा, मैजिक नहीं होगा फिर ऐसे तो भाई, मैजिक मैजिक करते रहते ना, हर मिथ बताने के लास्ट में मैजिक लिख देते, पता है कुछ मैजिक होता नहीं है। पर ये मैंने नया मंगा लिया और होप सो अब यूज कर सके। ये तो पानी के अंदर ही घुस गया, इससे मुझे पता है यूज नहीं होने वाला, ये देखो चल भी नहीं रहा। ये तो क्या मैजिक है इसमें बड़े भाई, यार तुम लोग कुछ नए वाले अपडेट का मिट दिया करो ना, ये पुराने पुराने देते हो। वैसे ये वाला नया वाला था बोट वाला, पर ये तो यूज ही नहीं हो रहा स्विमिंग पूल में। ये मुझे भी वैसे देखना था कि वर्क करेगा कि नहीं, जो कि ऑफ कोर्स वर्क नहीं किया। वैसे मैंने ना कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें जीटी ऑनलाइन में मैं 50 दिन सर्वाइव करता हूं, उस पे नए नए घर क्या क्या करता हूं। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो ना ये वाला वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है अब पांच में मैं देखते हैं। दो घोड़े लो और उनके एक साथ बैठो और उतर जाओ और फिर देखो मैजिक। अबे मैजिक यार कुछ मैजिक नहीं होता, ठीक है मैजिक वैजिक मत लिखा करो, मेरे को बहुत क्रिंज लगता है ये। वैसे मुझे घोड़े मंगाने थे दो और मैंने ये दो रॉयल्स रॉयल्स मंगा के रख दी। पहले तो मैं दूर चलता हूँ, यहाँ पे मेरा गेम और लैग कर जाएगा अगर 10 चीजें मंगा लूंगा ना, वैसे भी मेरा अलग ही गेम क्रैश हो जाता है। तो ये रहे हमारे दोनों घोड़े और अब मुझे क्या करना है, इसमें साथ में बैठना है और उसके लिए मुझे दोनों को वो करना होगा, चिपकाना पड़ेगा।
चल भाई, अच्छा इतना ही होता है क्या? अब मुझे ऑप्शन बस दिख जाए वो दोनों घोड़ों का एक साथ, तो ये बैठ चुका हूँ मैं एक घोड़े पे और अभी से चला के देखता हूँ। वो वाला भी, अरे यार मैंने गलती से वो वाले बटन दबा दिया, वापस उतर गया, वापस से बैठ मेरे भाई। ओके सो वो भी वर्क कर रहा है भाई, ये तो इंटरेस्टिंग है। मेरे को ऐसे जो मल्टीप्लेयर टाइप का लग रहा है, पर मल्टीप्लेयर अपडेट पे नहीं डाल रहा रोहित भाई, करो ना यार प्लीज, मेरे को अपने दोस्तों के साथ खेलना ये वाला गेम इंटरेस्टिंग लगेगा। मैंने GTA ऑनलाइन वाला वीडियो कैसे बनाया, अपने फ्रेंड की हेल्प से ही तो बनाया, 50 दिन में अकेले थोड़ी ना कर पाता, उसने मेरे बिजनेस एस्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प की। तुम लोग वीडियो देख लेना यार, वो वाला काफी सही सा बना है, मुझे तो सही सा लगा था। वो घोड़ा मेरे से कितने ज्यादा दूर हो गया, वैसे हमें मिथ में लिखा था कि उतर के देखना घोड़े से, तो मैं उतर के देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि मैजिक उसने बोला था जो कि होने नहीं वाला, पर हम देखते हैं क्या मैजिक होता है। अच्छा बड़ी मैजिक की बात कर रहा था, मतलब हम मूव कर रहे हैं ना हमारा कैरेक्टर, तो ये घोड़ा भी मूव कर रहा है, ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये मैंने मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है कुछ। ये वाला तो थोड़ा इंटरेस्टिंग था, ये मेरे को सबसे सही सा लगा। वैसे तुम लोग कमेंट में और भी दे सकते हो, मुझे नए अपडेट से रिलेटेड देना, पुराने वाले मत देना प्लीज। सो यप, आज की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो करना कर देना तुम्हारा मन, और इफ यू इंटरेस्टेड ये वाला वीडियो भी देख सकते हो, मेरे को काफी टाइम लगा था वाला वीडियो बनाने में और एडिट करने में भी, पर कोई ना देख सकते हो तुम।